दुखी हो जाओ। गुरुदेव ने पूरे इसमें जो कहा ना, तो अंत में जो बता रहे थे कि उत्साह, क्या ऐसे दुखी हारे बैठे रहते हैं, उत्साह जो मुस्कान हंसी खुशी है, ये बहुत जरूरी है। तो मुस्कान के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, है ना। आज के सेशन में गुरुदेव ने हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हम अपने आप को कुछ चीजों में बांध के रखते हैं, सीमित रखते हैं, उसके परे देखने को बोल रहे हैं। वर्ण हो, है ना, इन सब से परे जाए। तो अगर हम लोग वो आइडेंटिटी में फंसे रहेंगे कि मैं ये हूं, मैं इतना ही हूं, ये हूं, वो हूं, तो उसके परे जो हमें विश्व है या उसके परे जो चीजें हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गुरुदेव ने बोला ना कि एक राजा अगर है तो वो प्रजा के लिए सबके लिए है, पर वो जब घर में आता है तो फिर उसको घर वालों के साथ वैसे उस पात्र में आना पड़ेगा, जहां जैसे हैं उस पात्र को हम लोग निभा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि हम ये जो भी चीजें कर रहे हैं, ये हमारा एक पात्र है। जैसे ही हम ये जान लेते हैं, दृश्य और दृष्टा, इनका फर्क पता चलता है ना। तो बहुत सारी चीजें हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है, मैं कर रहा हूं या फिर अपने आप हो रहा है, इसमें फर्क है। अगर हम ये मान के चले कि नहीं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये है वो, तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, हताश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं या थक सकते हैं। मगर जब ये पता चल रहा है कि अरे सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ये एक देखने का जो साक्षी भाव अगर आ गए, आ जाए, तो दुखी नहीं होंगे। तो मैं कुछ हूं, इसमें मन उलझा रहता है, या फिर खुद को बड़ा मानना या खुद को कम मानना, ये दो तरह के हैं कि मैं अपराधी हूं, है ना, बहुत कुछ मुझसे ये हुआ है, वो हुआ है। तो हमारे अपने आप को हम बहुत सारी चीजों में बांध के रखते हैं। तो जो भी कर्म है, हम जो भी कर रहे हैं, वो कर्ता भी मैं नहीं हूं और भोगता भी मैं नहीं हूं, इस भाव से अगर हम चले तो मुक्त रह सकते हैं। मगर अगर कुछ खाया है, कुछ गड़बड़ खाया है, तो पेट तो दुखेगा, राइट। तो जैसे कर्म है, उसका वो फल भी मिल सकता है। इसमें गुरुदेव ने एक बार इसके पहले भी बोला था, ये अगर पीलिया हो जाए तो सब कुछ पीला लगने लगता है। तो जरा ध्यान से देखना होगा कि हमें जो दिख रहा है, सारी चीजें, सारी परिस्थितियां, लोग, लोगों का बर्ताव, लोग जो सोच रहे हैं, हमें ये कई बार मन में लगता है, पर ऐसा शायद है ही नहीं, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं, याद है मैंने कल एक बस का उदाहरण दिया था कि एक ही बस में बहुत सारे लोग प्रवास कर रहे हैं, हर एक के लिए वो अलग अलग अनुभव है, पर वो बस और वो अनुभव सबके लिए वो एक ही है, पर हर एक को उसको अनुभव करने का और देखने का तरीका अलग है। तो शायद जैसी चीजों को हम देखते हैं, इसके परे और है, ऐसा है ही नहीं। तो अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है। और फिर गुरुदेव बोलते हैं प्राणायाम, ध्यान, ये मन बुद्धि पे असर करता है। तो मैं करता हूं, इस भाव से हम लोग अपने आप में दृष्टा की ओर आ सकते हैं। और फिर क्या बोला, एक एक ही चीज उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि कुत्ता जो है वो हड्डी को चबाता है, और वो इतनी देर चबाता है कि उसके दांतों से खून निकलता है, और उसको लगता है कि अरे इसमें तो वो खून है। इसी तरह बहुत सारी बाहर की चीजों को हम देखते हैं, हमें लगता है कि इससे सुख मिल रहा है, पर अगर ध्यान से देखें तो उसमें सुख है ही नहीं। जो अनुभव कर रहा है, वहीं से अपने आप से ही वो
सुख का सोर्स है, माध्यम है, जरिया है, राइट। तो गुरुदेव ने इसके लिए उदाहरण भी दिया ना कि कई बार लोग बहुत सारी चीजें बदलते हैं, है ना। तो गोवा में अगर लोग हैं वो कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में गए तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतना गर्मी थी वहां पे, यहाँ पे इतना अच्छा ठंडा है। वो कुछ समय के लिए होता है, पर अगर वो ज्यादा देर रहने लगे वहां पे तो वो वही चीज जो अच्छी लग रही थी वो परेशानी में डाल सकती है। इसके विपरीत भी कश्मीर के लोग गोवा में आ जाए, उन्हें भी शुरुआत में कुछ दिन अच्छा लगता है कि अरे समुंदर है इतना अच्छा, वहां पे तो बहुत ठंडा वातावरण था, पर कुछ समय के बाद वही चीज मुश्किल लग सकती है। जैसे कि मान लो गुलाब जामुन किसी को बहुत पसंद है, आपको पसंद है, पहला गुलाब जामुन खाते हुए बड़ा सुख मिलता है, वही 4, 6, 8 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खाने के बाद 11वां 12वां गुलाब जामुन, वही गुलाब जामुन तो वही है पर वो खाने में बड़ी तकलीफ हो सकती है ना। तो बाहर हम लोग सुख का जो उसको ढूंढते हैं वो बाहर है ही नहीं, हैप्पीनेस खुशी बाहर है नहीं, हमारे भीतर ही है। ये इतना भी जान लेना तो दृश्य और दृष्टा में हम फर्क कर पाएंगे और अपने साथ रह पाते हैं। और गुरुदेव ने क्या बोला फिर, लालच में नहीं पड़ना है। लालच सुख को बहुत दूर लेके जाती है। कई बार हमें लगता है ना कि कुछ चीजें हैं इससे मुझे सुख मिलेगा, अरे ये करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हम क्यों करते हैं जीवन में कि इससे मुझे शायद सुख मिलेगा, तो वो सुख उसमें होता ही नहीं है, राइट। तो सब चीजें छोड़ने से सुख मिलता है। अच्छा, छोड़ना यानी सारा सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, उसका जो तीव्र लालसा है कुछ करते हैं कुछ पाने से मिलने से वो जो खुशी मिल पाएगी वो जो है उसको, जब वो लालसा को जब छोड़ते हैं तो वो जड़ को जब छोड़ते हैं तब हम मुक्त हैं, राइट। इसमें गुरुदेव ने एक और चीज बोली ना कि बाहर देश में वो बार बार जैसे जगह बदलते थे, ये बताया, उसके साथ साथ पार्टनर, हाँ, रिलेशनशिप, रिश्ते हैं, उसमें बदलाव लाते रहते हैं, हर एक साल में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो पर उसमें भी वो कहीं सुखी नहीं है, बेचैन है हमेशा। गुरुदेव ने ये बोला कि अच्छा है भारत में ऐसा अभी तक हुआ नहीं और ऐसा नहीं हो रहा है। तो सुख व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति में हम अगर ढूंढते बैठेंगे तो दुख ही मिलेगा। हम खुद, मैं खुद ही सुख खुशी वो मेरे भीतर है, अगर ये जान लें तो हम इस सब के ऊपर जा सकते हैं, है ना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में गुरुदेव ने जो कहा था कि उत्साह है ना वो बहुत जरूरी है जीवन में, तो खुश रहना अपने आप के साथ। जीवन में चाहे चीजें कुछ भी कैसी भी हो, चीजों को शायद हम बदल नहीं सकते, इसका एक आसान तरीका है, मान लो अगर बारिश हुई बाहर, पूरी सब जगह पे कीचड़ है, गंदा हो गया है, गीला हो गया, कीचड़ हो गया है, तो पूरे शहर में जाकर वो बिछाते तो नहीं है, क्योंकि पैर को कीचड़ नहीं लगना चाहिए, ये सोच के हम लोग बाहर रास्ते पे सब जगह जाके कुछ बिछाएंगे नहीं, वैसा थोड़ी कर सकते हैं। तो समझदारी क्या है, जूता पहन लें ताकि पैर को कीचड़ ना लगे, है ना। तो बाहर सब जगह ढूंढने की बजाय हमारी भीतर क्या है उसके साथ रहें, दृष्टा के साथ, तो वो हमें मुक्त कर सकता है जीसस है। तो खुश रहें, मस्त रहें, और आज के लिए इतना, हम लोग कल मिलेंगे। आपको ये जो भी हम सेशन देख रहे हैं इसको बार बार अगर मंथन करना है आप जरूर अपना यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियोस को देखें, और हम लोग कल मिलेंगे शाम को 8 बजे। जय गुरुदेव।